ये परम सौभाग्य है कि आज संत निक्का सिंह जी की निर्मल कुटिया में आने का सुबह सुबह यहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आकर के मैंने महाराज जी के चरणों में शीश भी नवाया है, लंगर भी लिया है। और मैं देखा है कि यहाँ पर हजारों की संख्या में निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से यहाँ सेवाएं भी देते हैं और लोगों के लिए लंगर यहाँ उपलब्ध रहता है। ये ऐसा यहाँ स्थान है जिसकी बड़ी मान्यता इसकी है, जिसमें लाखों की संख्या में इसके अनुयायी हैं, वो जुड़े हुए हैं। आज मुझे यहाँ आने का अवसर मिला है संत निक्का सिंह जी की इस निर्मल कुटिया पर। मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ। और क्योंकि मुझे भी यहाँ सेवा करने का आज अवसर मिला। रोज शाम को खबर आती है कांग्रेस की लिस्ट आ गई, लेकिन फिर आती ही नहीं है। देखिए, क्योंकि मैं अभी यहाँ बाबा संत निक्का सिंह जी के स्थान के ऊपर हूँ और सभी दल अपने अपने तरीके से काम करते हैं। उनका बड़ा मंथन चल रहा है, मंथन के आधार के ऊपर वो अपनी लिस्ट को कौन आएगा कौन नहीं आएगा वो निकालेंगे। परंतु हम जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में काम किए हैं, गरीब के हित में किए हैं, आज मैं यहाँ बाबा संत निक्का सिंह जी की कुटिया पर आया हूँ। और देख करके मन बड़ा गदगद हुआ है कि जो निस्वार्थ भाव से काम चल रहा है, गरीब लोगों के हित के लिए काम हो रहे हैं, लंगर की सेवाएं हो रही हैं, लंगर से भी अलग आगे बढ़ कर के अगर किसी और आवश्यकता की किसी को ज़रूरत है तो वो भी इस कुटिया से पूरी हो रही है। और ऐसे ही महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के नरेंद्र मोदी जी और हमारे हरियाणा की डबल इंजन की सरकार समाज हित के अंदर, कि समाज का जो अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति है उस तक कैसे पहुँचे, मुझे इस बात की भी बड़ी खुशी है कि जब कोरोना का वैश्विक संकट आया था तो ये कुटिया सबसे आगे आकर के लोगों की सेवा के अंदर तत्परता से दिन रात लगी रही। और नरेंद्र मोदी जी ने भी इस देश को आगे बढ़ाने में एक संत के रूप में नरेंद्र मोदी जी वो काम कर रहे हैं, वो अपने लिए नहीं देश के 140 करोड़ लोगों के लिए कर रहे हैं। और यही प्रेरणा उन्होंने संत निक्का सिंह जी से ली है, क्योंकि उनका जीवन वो दूसरों के उनके उत्थान के लिए, उनको कोई दिक्कत ना है उसके लिए उनका पूरा जीवन रहा है और अपना पूरा जीवन उन्होंने लगाया है और उसको आगे बढ़ाते हुए पूरे अब जो अनुयायी हैं वो लगातार उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं।